जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ कुछ नई चीजें लेके। आज हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडास की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि हम कांग्रेसी, हम बीजेपी हैं, हम आपके हैं, हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम बीएसपी के हैं, हम इसके हैं, हम उसके हैं। दोस्तों, देश को राजनीति की नहीं, पार्टी की नहीं, आपकी जरूरत है। आज अगर आप जागेंगे तो शायद देश जागेगा, अगर आप नहीं जागेंगे तो देश नहीं जागेगा। आज बीजेपी के हैं, हम इसके हैं, उसको छोड़कर देख लो आप कितने देश के। अगर आप देश के हो तो आज भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, उसकी बातें आप दिल से लोगे, उनकी बातों को मानोगे। अगर आप आज भी नहीं मानते तो आप देश को तो छोड़ दो, आप खुद को नहीं बचा। आज रात को 9 बजे जब भी दिया जलेगा, आप बाहर निकलेंगे, सिर्फ एक बार ये सोचिएगा आप कितने देश के। क्या देश आपका है? कहीं से भी आप देश के हित के लिए कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सच्चे देशभक्त हैं। जरूरी नहीं कि जो आर्मी में वही देशभक्त है, जो पुलिस में वही देशभक्त है। हमारे देश का हर एक नागरिक देशभक्त बन सकता है, पर उसके लिए आपको जरूरत है खुद के अंतर्मन को जगाने की, जो शायद आज तक आप लोग नहीं कर पाए। खुद को समझे, खुद को जाने, खुद को पहचाने। जब तक इस एटीट्यूड में आप नहीं आएंगे, शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी ने बोला हम क्यों करें, इसने बोला हम क्यों करें, भाई मोदी आपके लिए, हमारे लिए ही बोल रहा है। उसने नहीं कहा कि आरती लेके दिया करो, दिया उठाओ आरती करो, कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा कि दिया जलाएं, उसने कहा फ्लैश लाइट जलाएं, उसने कहा कैंडल जलाएं। उसने ये नहीं कहा कि आप धर्म में इसको, धर्म की बात उसने कहीं पर भी नहीं की। इसे धर्म से जोड़कर देखना बनकर है। यहाँ पर देश के सहयोग की बात की जा रही है। मैं आज भी दावा देता हूँ कई अदर रिलीजियस कम्युनिटी इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगी, पर ये आज आपकी हमारी सबकी परीक्षा का फल है। आज आपको देखना है कि आप अपने देश के साथ कितने हो, अपने नेता के साथ कितने हो और अपने परिवार के साथ कितने हो। अगर आज आप इग्नोर करते हो इन सब चीजों को तो कल आपका आपका नहीं, कल आपका खौफ ना हो। और उस खौफ से आप नहीं बच सकते। अगर 24 घंटे में हमारे पास 400 से ऊपर केस आ सकते हैं तो यकीन मानिए अगर अभी भी हमने इसे इग्नोर किया तो इन्हें 4000 बनने और 4 लाख बनने में देर नहीं लगेगी। आज हम जो मेडिकल एड दुनिया को भेज रहे हैं, हमारे इकलौती एयर इंडिया की फ्लाइट वर्ल्ड वाइड अकेले उड़ रही है, लोगों को ला रही है, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है, मेडिकल एड दे रही है, यूरोपियन कंट्रीज को एड दे रही है, तो आज हम हमें ग्लोबल लीडर की तरह अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम मेडिकल इम्प्लीमेंट एमरजेंसी में किस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन करके अपने देश को बचा सकते हैं। तो क्यों अपने देश को जिंदा ठहराना चाहते हो? जाग जाओ मेरे भाई, समय ज्यादा नहीं है, देश आपका है, समय आपका है, अच्छा समय है, बुरा बनने में देर नहीं लगेगी। पार्टी छोड़ दें, समाजवाद छोड़ दें, राष्ट्रवाद अपनाएं, क्योंकि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो देश आपका है, अगर आप राष्ट्रवादी नहीं है तो देश आपका नहीं। खुद से पूछें आप कितना देश के लिए करते। आप देश से मांगते बहुत हैं पर आपने देश को दिया क्या, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसके बारे में यहाँ से सोचें, क्योंकि अगर आज आप नहीं सोचेंगे तो कल आपके लिए सोचने वाला ना नेता होगा, ना मैं होऊंगा, ना आपको। जनता से दुनिया चल रही है, जनता से देश चल रहा है, जनता से यार। अगर ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे और ह्यूमन एक दूसरे को नफरत करेंगे तो कल हम रिलीजन में ही बटे रह जाएंगे, कल हम कास्ट में बटे रह जाएंगे। आज देश की बात है, देश हित की बात करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।